Welcome to the Commerce Achiever platform. With this video, we are continuing the chapter Capital Gain and the Income Tax Act. So with this lecture, we are going to cover the topic indexation. ठीक है? Hope you remember, which is covered under section 55. Indexation के बारे में पढ़ेंगे. आपने notice किया होगा जब last lecture में मैंने ये बताया कि long term capital gain calculate करने के लिए हमें indexation करना पड़ता है. सो कॉस्ट ऑफ एसेट का भी इंडेक्सेशन होता है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स का भी इंडेक्सेशन होता है. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में डिटेल में, तो इस लेक्चर के थ्रू हम इंडेक्सेशन के बारे में समझेंगे. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को पहले डील करते हैं. अगर कोई एसेट जो है वो एक्वायर यानी परचेज किया है, या एक्वायर वर्ड है, एक्वायर किया है, ठीक है, प्रायर टू 1 अप्रैल 2001, यानी इससे बिफोर में, ठीक है, इससे पहले कोई भी एसेट एक्वायर किया है, तो उसका कैसे इंडेक्सेशन होगा? देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट, जिस भी एसेट को आपने एक्वायर किया है, इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स. आपको एक इन्फ्लेशन का इंडेक्स मिलता है, उसमें इन्फ्लेशन का एक वैल्यू दी हुई है, वो आपको लिखनी पड़ती है, ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय 100. क्यों 100 लेते हैं? बिकॉज वो 2001 का बेस ईयर दिया हुआ है. ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एक्वायर ऑन बिफोर 1 अप्रैल 2001. ठीक, अगर एक्वायर किया है ऑन और आफ्टर, यानी अगर 1 अप्रैल को भी एक्वायर किया गया है, तो ये क्लॉज लगेगा 2001 के. क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कितने रुपए में आपने उसको एक्वायर किया है, कॉस्ट ऑफ एक्वायर इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, यानी जब आपने परचेज किया होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम डील करेंगे इंडेक्सेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का. ठीक है, ये केवल कंप्यूट होता है अगर एसेट जो है एक्वायर की है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, इसके बाद का, उससे पहले का इग्नोर करता है. ठीक है, तो जब इसके बाद के एक्वायर किए, तो इंडेक्सेशन कैसे होगा? जो भी आपने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट है. तो आप देखिए, तो ट्रांसफर आपका न्यूमरेटर में रहेगा हर केस में, और डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं. पहले केस में 100 रहेगा, दूसरे केस में एक्विजिशन का ईयर आएगा, तीसरे केस में आपका इम्प्रूवमेंट का ईयर आ जाएगा. ठीक है, और इम्प्रूवमेंट अगर 1 अप्रैल से पहले हुआ है, तो वो कंसिडर नहीं होगा. ठीक है, इंडेक्सेशन की लिस्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, और वो लिस्ट आपको फॉलो करनी पड़ती है. कई बार एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में वो लिस्ट दे दी जाती है, और कई बार कुछ बेसिक आपको याद रखनी पड़ती है जो करंट ईयर से रिलेटेड होगी. ठीक है, करंट टू ईयर से आप रिलेटेड जो है इंडेक्सेशन को याद कर लेंगे. ठीक है, कुछ सिचुएशन में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने के बाद भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो कौन सी एसेट्स है, यानी ये एक्सक्लूड हो गई है ना, तो वो कौन कौन सी एसेट्स हैं और किनको किनको उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी वो एसेट उनका इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं होगा. चलिए देखते हैं. पहला जो है वो है बॉन्ड्स या डिबेंचर्स. ठीक है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के साथ होगा, लेकिन एक्सक्लूड किया है इसमें कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया है. ठीक है, और किस बॉन्ड और डिबेंचर के अलावा और कौन सा है? आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसको आरबीआई ने इशू किया है. ठीक है, सो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड जिसको गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसको आरबीआई ने इशू किया है. मैंने कहा इस लिस्ट पे इंडेक्सेशन नहीं है, यानी बॉन्ड और डिबेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं है, बट इसको एक्सक्लूड किया है, यानी इस केस में मिल सकता है. ठीक है, कौन सा एसएससी होगा? सारे एसएससी, कोई भी एसएससी हो, ये सबके लिए लागू है. ठीक है, सेकंड एक्सक्लूजन देखते हैं. कोई भी शेयर हो या डिबेंचर हो, ठीक है, किसका? इंडियन कंपनी का.
ठीक है, जिसको कन्वर्ट करवाया हो फॉरेक्स से, ठीक है, कन्वर्टेबल है फॉरेक्स मार्केट से, ठीक है, उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी इस पे जो है इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये किस एसएससी के लिए एप्लीकेबल है? केवल नॉन रेसिडेंट्स के लिए है। रेसिडेंट्स को बेनिफिट मिल जाएगा, नॉन रेसिडेंट्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड एक्सेप्शन देख लेते हैं, आपका जो डेप्रिशिएबल एसेट है, यानी जो एसेट आपके डेप्रिशिएट होते हैं, उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये बेनिफिट सारे एसएससी से ले लिया गया है, ऑल एसएससीज आर कमेंट, किसी को भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फोर्थ जो एक्सेप्शन है वो आपका है स्लम सेल के केस में, उसमें भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है और सारे एसएससीज कवर हैं, ठीक है। फिफ्थ जो आपका केस है वो है यूनिट्स जो परचेज हुई हैं फॉरेन करेंसी में, ठीक है, फॉरेन करेंसी में परचेज हुई हैं अंडर सेक्शन 115A(b), ठीक है, ये ऑफशोर फंड के केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सिक्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, जो कि परचेज की है फॉरेन करेंसी में अंडर सेक्शन 115A(c), ठीक है, इस पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। किसको किसको नहीं मिलेगा? नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलेगा और रेसिडेंट्स को भी नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल कवर है, ठीक है, यानी GDRs में किसी को नहीं मिलना है, नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल को नहीं मिलना है। सेवेंथ जो एक्सक्लूड है वो है आपकी सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 115A(d), इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज परचेज करते हैं उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूजन में आते हैं। एंड द लास्ट इज फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 115D के अंदर, ये नॉन रेसिडेंट इंडियन को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी ये 8 ऐसे केसेस हैं जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं अवेलेबल होगा, यानी जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप कैलकुलेट करते थे वैसे ही नॉर्मली ये केसेस में कैलकुलेट होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आई कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, एंड इट्स ओ क्लियर विथ यू, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल डन विद दिस ऑन द इंडेक्सेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट हैं, ठीक है, उसको इनकम टैक्स की साइट से रिफर कर देंगे या ब्लॉग्स पे विजिट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल डन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।